हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमहंस एचडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे, जो यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इन जो प्रश्न हैं इनकी आने की 100% संभावना है और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए कामा जीरो, जीरो कामा बी तथा एक्स कामा वाई संरेखीय हैं तो सिद्ध करें कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर क्या है, एक है। ये क्वेश्चन है आपका निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। अगर ये हमारा संरेखीय होता है, ये हमारा अगर क्या होता है, संरेखीय होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये बराबर होता है जीरो के। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में x1, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा प्लस एक्स टू, ठीक है, 31 मतलब कि वाई थ्री माइनस वाई वन 12, ठीक है। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा एक्स थ्री ब्रैकेट में 23 31 12, यहाँ पर वाई वन और वाई टू बराबर किसके, जीरो कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, संरेखीय है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और यहाँ पर ये एक्स थ्री और ये हो जाएगा वाई थ्री, ठीक है। तो वन अपान कर टू, एक्स वन की वैल्यू हमारी है ए, ए रख देंगे, ठीक है। वाई टू की वैल्यू कितनी है हमारी, बी, वाई टू की वैल्यू बी है माइनस का। वाई थ्री की वैल्यू कितनी है, वाई, ठीक है, वाई थ्री की वैल्यू कितनी है वाई, उसके बाद प्लस लगाएंगे यहाँ पर। एक्स टू की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो, ठीक है, वो यहाँ पर ब्रैकेट में वाई थ्री की वैल्यू है वाई माइनस वाई वन की वैल्यू है जीरो, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस हमारा एक्स थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स रख देंगे, और यहाँ पर वाई वन की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो माइनस वाई टू की वैल्यू कितनी है, बी, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा जीरो। देखो यहाँ पे 1/2 जो दो था ये क्या है, बटे में था, और इस तरफ ये जीरो से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ए का मल्टीप्लाई बी से ए बी हो गया, माइनस का एक का मल्टीप्लाई वाई से तो ए और वाई हो जाएगा, प्लस ये जीरो का मल्टीप्लाई पूरी समीकरण से करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जीरो आ जाएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स और बी हो जाएगा, ब्रैकेट मन बराबर किसके, जीरो के, ठीक है। अब ये हमारा जो दो था जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ये जीरो हो गया। अब हमारा ये ए बी माइनस का, ठीक है, ए और वाई, और ये हमारा माइनस ये प्लस, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस, माइनस का एक्स और बी हो जाएगा बराबर जीरो के। देखो अब ये दोनों संख्या जो है हमने बराबर के उस पर ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का जो एक्स बी है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का ए वाई है उस तरफ जाएगा प्लस का, तो ए वाई प्लस, और ये हमारा ये भी प्लस हो जाएगा एक्स और बी, और इधर हमारा क्या बचेगा, ए बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में, दोनों समीकरण में जो है ए बी से भाग करेंगे, या फिर दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में ए बी से हमने क्या कर दिया है, भाग। तो ए बी से अगर हम यहाँ से भाग करेंगे तो वैल्यू हमारा देखना क्या आएगा, देखो यहाँ से ए बी कैंसिल, यहाँ पर एक बचा, बी से बी कैंसिल, एक्स अपान ए, और यहाँ से ए कैंसिल, तो वाई अपान क्या आया, बी। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स अपान ए आया है ना, यहाँ पर क्या आया है, एक्स अपान का ए प्लस वाई अपान का बी बराबर क्या, वन। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है संरेखीय कंडीशन में जीरो होता है, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद नीचे से अंश को हर से काट देंगे जो कटने वाला होगा, लास्ट में वैल्यू कितना आ जाएगा, एक, और यही हमारा प्रूविंग हो जाएगा। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री और टेन 42 डिग्री और टेन कितना 67 डिग्री, बराबर कितना लाना है हमको, एक लाना है। तो देखो यहाँ से हमारा एक फार्मूला क्रिएट होता है चतुर्थांश का, 90 माइनस थीटा करके, ये हमारा क्या होता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस कितना थीटा करके। तो देखो यहाँ पर हम 48 और 42 का जोड़ा बना लेंगे और टेन 23 का किसके साथ, 67, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो एक को हम तोड़ लेते हैं, इसको लिख सकते हैं टैन
टेन 48 नहीं टेन 90 माइनस का किसके साथ था 42, ठीक है। तो टेन 90 से 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा, टेन 48 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टेन 23 को इसी प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टेन 23 है इसको लिख दिया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेन 42 को भी लिखेंगे। और जो 67 है इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 23, टेन 90 माइनस का कितना 23, तो 90 से अगर हम 23 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 67 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से tan 90 माइनस थीटा, हमारा एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा। तो ये हमारे थीटा के स्थान पे कितना है, 42 डिग्री है ना, थीटा के स्थान पे कितना है 42 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cot 42 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कितना, tan 23 डिग्री, और tan कितना 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 23 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 23 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हम cot को लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 का क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा cot थीटा बराबर 1/2 का tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस cot को लिख सकते हैं 1/2 का tan 42 डिग्री, और यहाँ पे कितना, tan 23 डिग्री इंटू का tan 42 डिग्री, और इसको भी लिख सकते हैं 1/2 का tan 23 डिग्री, ठीक है। अब देखो कटने वाला है, सारा कुछ कट जाएगा, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री कैंसिल, tan 23 डिग्री, और 23 23 है ना, 23 डिग्री, और यहाँ से 23 डिग्री ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा कितना आ गया, एक का मल्टीप्लाई सारा में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो एक का मल्टीप्लाई एक से होगा, कितना आ जाएगा एक। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल दो फार्मूले लगे हैं, tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा बराबर 1/2 का tan थीटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20 डिग्री, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, sec 4a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, cosec a माइनस का 20 डिग्री, a माइनस का 20 डिग्री, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है, जहाँ पर 4a एक क्या है, न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान हमको निकालना है, जो कि आएगा 90 डिग्री से कम। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको हम तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको हम सेक को तोड़ सकते हैं, सेक को हम तोड़ सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि आ जाएगा सेक थीटा, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, हमारा क्या आ जाएगा, sec 4a आ जाएगा। और यहाँ पर cosec इसको उसी तरह रहने देंगे, इसमें कोई भी छेड़खानी क्या है नहीं करेंगे ना, cosec से cosec हट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू a माइनस का कितना 20, ठीक है। और यहाँ माइनस का 20 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस का कितना 20 डिग्री बराबर a प्लस का 4a, ये माइनस का है, उस तरफ गया किसके साथ, हो जाएगा प्लस के साथ, तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5a, और 90 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री, 5 इधर गुणे में उधर जाएगा डिवाइड में, है ना। तो यहाँ से 110 डिग्री अपान का 5 इजिकल टू a, अब यहाँ पे दो काट दो, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 2 बचा 5 दुनी 10, ए बराबर कितना डिग्री आ गया, 22 डिग्री आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या किया है, 90 माइनस थीटा करके इसको सॉल्व कर दिया है, और लास्ट में हमारा जो डिग्री आ जाएगा वो न्यून कोण होगा, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम, 22 आया ना, तो ए क्या है हमारा, 22 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री से कम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कितना वर्ग है, दो वर्ग हैं, एक हमारा वर्ग है ये वाला बन गया, और ये हमारा क्या है, दूसरा वर्ग हो गया। मान लेते इसकी एक भुजा a है और इसकी भुजा कितनी है, b है, तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं,
चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, पहले हम लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है, कितना भुजा स्क्वायर, भुजा हमारी ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा हमारी बी है ना, और बी का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ठीक है स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका जो परिमाप होता है, परिमाप होता है चार गुणे भुजा, चार गुणे भुजा। अब पहला क्या दे रखा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा ए और बी होगा, इसके वर्ग करके दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आता है 468 ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्गों का क्षेत्रफल का योग हो गया। अब उनकी परिमापों का अंतर, परिमाप हमारा कितना हो जाएगा 4a, ये हमारा परिमाप 1 2 3 4 ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया एक राउंड करके फिर यहीं पे आ गया, परिमाप बनने का परिमाप का क्या होता है, किनारा है ना, पूरा किनारा, तो हमने क्या करिया, तो इसका किनारा 4 into a हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 4 into b, तो परिमाप का अंतर कितना है, बी बराबर है परिमाप का अंतर 24 मीटर ठीक है। तो दोनों की भुजा निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यहाँ पर, वर्गों का क्षेत्रफल का योग है ना, क्षेत्रफल का योग निकाला गया है दोनों का, क्षेत्रफल का योग ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, परिमाप का अंतर, परिमाप का ठीक है क्या है, अंतर ठीक है। तो यहाँ से 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 24 हो जाएगा ठीक है। अब इसको ये 4 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, 4 एकम 4 4 6 24, a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा 6, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये माइनस का b है, उस तरफ जाएगा प्लस का, तो a इजकल टू 6 प्लस का कितना b ठीक है, प्लस का b हो गया। अब a की वैल्यू है समीकरण किस में, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 क्या है, इधर नोट कर लीजिएगा, समीकरण 1 है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 468 ठीक है, और a के स्थान पर हम कितना रखेंगे, a के स्थान पर 6 प्लस b इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a है इसका स्क्वायर किया गया है ना, और a की वैल्यू कितना है 6 प्लस बी, और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस के ये बी का स्क्वायर बराबर कितना 468 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 468। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 ठीक है, 12b प्लस ये हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना 468 के साथ ठीक है। तो यहाँ पर b और b दो बार है, तो 2b का स्क्वायर प्लस के ये कितना 12b ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 468 से हम माइनस कर देंगे कितना 36 करेंगे, तो यहाँ पे देखो 8 से 6 गया 2 कितना हो जाएगा 2, 6 से 3 गया 3 ठीक है, और 4 में से कुछ नहीं आएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 2b का स्क्वायर प्लस 12b, पूरा का पूरा समीकरण 2 से हमारा क्या है डिवाइड है, डिवाइड कर देंगे इसको हम, तो 2 से इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस ये 2 6 12 6b ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 6 कितना हो जाएगा 12, और ये प्लस इस तरफ उठा लाएंगे क्या हो जाएगा ये -216 ठीक है। अब हम क्या करें, 216 का ऐसा गुणनखंड निकालें कि कितना है बीच वाला
सिक्स बी है ना गुणनखंड, ये हमारा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो 216 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे कि कितना आ जाए हमारा, सिक्स आ जाए। तो दो एकम दो और जीरो, दो अठी सोलह, फिर दो पंचे कितना हो जाएगा दस, दो चौके आठ, फिर दो दुना चार, एक दो सत्ते चौदह, फिर तीन से तीन नौ सत्ताईस, फिर तीन से तीन तरह की नौ, फिर तीन से तीन एकम तीन, छः आना चाहिए ठीक है। देखो दो एकम दो और एक छोटा इसलिए जीरो लगा लिया, फिर दो अठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर दो दो पंचे दस, दो चौके आठ, दो दो चार, एक ऊँचा दो सत्ते चौदह, फिर तीन नौ सत्ताईस, तीन तरह की नौ, तीन एकम तीन ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा बनाए ऐसा हो जाएगा, इसको आप देखिएगा। देखिए इसका हम गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार, तीन तरह की नौ, नौ दुनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तीन दुनी छः, छः दुनी 12, 18 और 12 का गुणा करेंगे 216 आ जाएगा, और 18 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6b आ जाएगा। तो यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस का 18b माइनस का कितना 12b, अब 12b से 18b से 12b जाएगा कितना बचेगा 6b, और माइनस का क्या 216 इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक b कामन ले लेंगे यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, एक भी हमने कामन ले लिया ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा एक भी बच जाएगा, और प्लस का कितना 18 बच जाएगा, और इन दोनों में हमने कामन ले लिया माइनस का 12 कामन ले लिया, तो यहाँ पर बी और प्लस का कितना बचेगा 18 ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, अब दोनों ये सेम है तो बी प्लस का कितना हो जाएगा 18, और दूसरा हो जाएगा b माइनस का 12 ठीक है। ये वैल्यू मान नहीं होगी क्योंकि उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 12, तो एक भुजा हमारी आ गई 12। और देखो 12 हम रखेंगे समीकरण किस में, तीन में, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा ठीक है। a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 18 किस में रखेंगे, समीकरण तीन में, क्योंकि b की वैल्यू कितना आया 12, और 12 और 6 कितना होता है 18, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है ठीक है, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है बताने जा रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, टू टेन 30° अपान 1 प्लस का टेन स्क्वायर 30° ठीक है। तो सबसे पहले हमको वैल्यू याद होना चाहिए साइन की हो चाहे कॉस की और चाहे हमारी टेन की ठीक है। तो यहाँ से हम सारी वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं उसको लिख दे रहे हैं, जैसे टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट का 3 ठीक है। ये जो वैल्यू हैं उन्नयन कोण अवनमन कोण में काम देते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर साइन 60 की इंपॉर्टेंट है अंडर रूट 3 अपान का 2, और कॉस 30° की यही होती है ठीक है। और यहाँ पर कॉस 45° की वैल्यू 1 अपान रूट का 2, और यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होती है 45° उसकी भी वैल्यू यही होती है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इतना वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक है। अब यहाँ पर 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपान रूट का 3 ठीक है, यही है ना, अपान 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितना है 1 अपान रूट का 3, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, और रूट का कितना हो जाएगा 3 अपान 1 प्लस, जब रूट का स्क्वायर लगा है तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 1/3 कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, एक नीचे हर मान लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एक कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 2/ रूट का 3 अपान 4/ कितना हो जाएगा 3 ठीक है। समझ गए ना आप लोग, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि काफ़ी समझदार लोग हैं आप लोग ठीक है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हमारा जो है इसको देखिएगा, 3 एकम 3, 3 एक कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई ठीक है, नीचे वाला जो हर होता है ऊपर वाले अंश के साथ गुणा करते हैं या तो पलट देते हैं, 2/3 और 3 ऊपर चला जाएगा और 4 हमारा नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दुना 4, और ये हमारा क्या था रूट में था ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दुना 4 कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो रूट का है इस 3 में हमारे कितने रूट होते हैं 2 होते हैं, जिसमें से एक वैल्यू कट जाएगा और एक वैल्यू बचेगा, कितना आ जाएगा रूट का 3 अपान का 2, जो कि हमारी वैल्यू है साइन 60° और कॉस कितने डिग्री की, कॉस 30° की ठीक है। ये वैल्यू जो है रूट अपान
रूट थ्री अपान का टू, ये जो वैल्यू है साइन 60 डिग्री और कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री का। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने करवा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।